जेडीयू चीफ नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह विपक्ष मुक्त रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसे बहिष्कार किया, जबकि महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस की ओर से कोई भी शामिल नहीं हुआ। वहीं खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले एलजेपी चीफ चिराग पासवान को तो न्योता तक नहीं मिला। जी हां, आपको बता दें कि चिराग ने नीतीश को सीएम बनने पर बधाई दी, साथ ही तंज भी कसा और कहा कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई। आशा करता हूं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अब एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूँ, ताकि उसमें से जो कार्य आप पूरा कर सकें उसे पूरा कर दें। एक बार पुनः आपको मुख्यमंत्री बनने और भारतीय जनता पार्टी को आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बधाई। जी हाँ, लोजपा प्रमुख ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि बिहार में सभी नवयुक्ति मंत्रियों को ढेर सारी बधाई। आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बिहार के सपने को कोई नई सरकार साकार करेगी। बिहार में पीएम मोदी की बड़ी जीत हुई है। बिहार की परिस्थितियों में बेहतर बदलाव हो, यह सभी बिहारी की इच्छा है। उधर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जन आकांक्षा और एनडीए के 19 लाख नौकरी रोजगार और पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। दरअसल राजद ने भी नीतीश के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। राजद ने ट्वीट कर ये जानकारी दे दी थी। जी हां, आपको बता दें कि राजद के ट्वीट के मुताबिक राजद शपथ ग्रहण का बहिष्कार करता है। जी हां, बदलाव का जनादेश राजद के विरुद्ध है। जनादेश को शासनादेश से बदला गया है। राजग के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि और जनता के साथ खड़े हैं। इसी बीच राज्य में विपक्षी महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने भी कहा था कि शपथ ग्रहण में वो शामिल नहीं होंगे। और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरा से सुरभि की रिपोर्ट।